हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास गर्मियों में बनने वाला शिकंजी मसाला पाउडर। बिल्कुल बाजार जैसा और परफेक्ट माप के साथ में आज हम ये शिकंजी पाउडर बनाएंगे। और जब भी जी चाहे आप अलग अलग स्वाद की शिकंजी और छाछ घर में बनाकर पी सकते हैं। और साथ में बनाएंगे सबको पसंद आने वाला टेस्टी रू अफजा शिकंजी। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। परफेक्ट और स्वादिष्ट शिकंजी मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे और अब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच जीरा और ये 2 चम्मच जीरा हम अलग रखेंगे। शिकंजी मसाला पाउडर बनाने के लिए हमें भुना हुआ जीरा और कच्चा जीरा दोनों की ज़रूरत होती है। भुना हुआ जीरा और कच्चा जीरा दोनों के स्वाद, फ्लेवर और फायदे अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब हम लो फ्लेम पर जीरे को हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं जीरा हल्का सा भून गया है। अब हम इसे और ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करेंगे। इस समय हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और जीरा को हल्का सा ठंडा होने देंगे। जीरा हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कच्चा जीरा ऐड कर देंगे जो हमने बचा कर रखा था। साथ में हम लेंगे 1.5 चम्मच साबुत काली मिर्च। और दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें जीरा और साबुत काली मिर्च को डाल देंगे। अब शिकंजी पाउडर को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची डाली है। साथ में डालेंगे 2 चम्मच काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट। काला नमक डाइजेशन में बहुत फ़ायदा करता है। इसी के साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक यानी कि टेबल सॉल्ट, जिसे हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। और ये जिंजर पाउडर पाचन समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। चलिए अब हमें इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। हमारा यह शिकंजी पाउडर बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा और आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर 1 साल तक स्टोर कर रख सकते हैं। और आप इसे अलग अलग तरीके के शरबत, कोल्ड ड्रिंक, छाछ और लस्सी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारा फाइन सा शिकंजी पाउडर मसाला बनकर तैयार है। यकीन मानिए दर्शकों, यह शिकंजी मसाला पाउडर न केवल शिकंजी के टेस्ट को दुगना कर देगा बल्कि इस मसाले से सेहत को भी बहुत फायदे मिलेंगे। तो चलिए अब इस शिकंजी पाउडर मसाले से हम रू अफजा शिकंजी बनाते हैं, जिसे बच्चे और बड़े बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ताज़ा फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिसके बिना तो शिकंजी अधूरी सी होती है। अब हम यहाँ पर लेंगे खलबत्ता या मॉर्टर पेस्टल। इसमें हम पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसे हल्का सा मसल लेंगे या कुचल लेंगे, जिससे कि इसके फ्लेवर्स बाहर आएंगे और इसकी ठंडक शिकंजी के स्वाद को दुगुना कर देगी। इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे हल्का सा कुचलना है, इसे बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। चलिए अब ठंडी ठंडी और स्वादिष्ट रू अफजा शिकंजी बनाने के लिए हम एक ग्लास में 1 नींबू का रस डाल देंगे। साथ में डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच रू अफजा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच तैयार किया हुआ शिकंजी मसाला पाउडर। साथ में डालेंगे आइस क्यूब्स और अब इसमें हमने जो पुदीना मसल कर रखा था उसे डाल देंगे। चलिए अब हम इसमें डालते हैं सोडा वाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठंडी ठंडी और रिफ्रेशिंग और पीते ही मज़ा आ जाए, ऐसी बनी है हमारी रू अफजा सोडा शिकंजी। चलिए अब इस रू अफजा शिकंजी को मार्केट स्टाइल से गार्निश करते हैं। इसे पुदीने के पत्ते और लेमन वेज से सजा दें। अब हम उनके लिए सिंपल रू अफजा शिकंजी बनाएंगे जिन्हें सोडा शिकंजी पसंद नहीं है। ग्लास में 1 नींबू का रस डालें और साथ में 2 बड़े चम्मच रू अफजा शरबत डाल दें। रू अफजा शरबत में चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर हमने अलग से चीनी का उपयोग नहीं किया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चटपटा और स्वादिष्ट शिकंजी मसाला पाउडर डालेंगे जो हमने बनाकर तैयार किया है। साथ में डालें आइस क्यूब्स और कुचला या मसला हुआ पुदीने के पत्ते डाल दें। अब इसमें ठंडा ठंडा पानी डालें और चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने 2 तरह से रू अफजा शिकंजी बनाकर तैयार कर लिया है। आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शिकंजी को लेमन वेज और पुदीने के पत्तों से सजाएं और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।